दोस्तों आज हम आपको फैक्ट बताएंगे, वो पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, जिससे ये साफ हो जाता है कि ये जो वायरल हो रहा वीडियो है जिसमें ये कहा जा रहा है कि सलमान खान लॉरेंस फिश्नोई से माफी मांगने के लिए जेल गए थे। पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा और ये अपडेट्स कब की हैं, ये वीडियो कब का है, वो भी डे वाइज आपको बताऊंगा। पर दोस्तों इससे पहले हमारे इस मेहनत पर आप अपना कुछ काम करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, आप ये फैक्ट अपने जिन दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए बताता हूँ पूरी खबर क्या है। दोस्तों पिछले कुछ महीनों से सलमान खान को गैंगस्टर लॉरेंस फिश्नोई के गैंग से धमकियां मिलने की खबरों के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सलमान खान को जेल से बाहर आते हुए दिखाया गया है। वीडियो के साथ ये दावा किया जा रहा है कि भाईजान ने जेल में लॉरेंस फिश्नोई से मुलाकात कर आखिरकार माफी मांग ही ली है। ये वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर शेयर किया जा रहा है। वायरल वीडियो पर लिखा है, आखिर मांग ली सलमान ने लॉरेंस से माफी। हालांकि आपको बता दें कि वायरल हो रहा है ये वीडियो अप्रैल 2018 का है, जब सलमान काला हिरण शिकार मामले में जमानत मिलने के बाद जोधपुर जेल से बाहर आए थे। हमने वीडियो के की फ्रेम्स को रिवर्स इमेज सर्च के जरिए खोजा तो पाया कि ये वीडियो लाइव हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल पर अप्रैल 7 2018 को अपलोड किया गया था। वीडियो का टाइटल था, ताजा समाचार, जेल से रिहा हुए सलमान खान चार्टर्ड प्लेन से मुंबई रवाना। इस वीडियो के साथ जानकारी दी गई थी कि जोधपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने सलमान खान को 1998 के काले हिरण शिकार मामले में जमानत दे दी है। आपको बता दें 7 अप्रैल 2018 को प्रकाशित इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि काला हिरण शिकार मामले में जमानत मिलने के बाद सलमान खान जोधपुर जेल से बाहर आए। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के साथ सलमान जोधपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उनके प्रशंसक उन्हें जेल से बाहर आते देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। वहीं News18 हिंदी, ANI भारत, ABP न्यूज और कई प्रमुख मीडिया आउटलेट्स ने सलमान खान के जेल से रिहा होने के दृश्यों को विस्तार से कवर किया था। इन रिपोर्ट्स का सारा आर्काइव हमने खंगाल डाला है। 5 अप्रैल 2018 की जागरण की रिपोर्ट में बताया गया है कि काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। वन्य जीव अधिनियम की धारा 9/51 के तहत उन्हें दोषी ठहराते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। सजा के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया। हालांकि 2 दिन बाद उन्हें 50,000 रुपए के मुचकले पर जमानत मिल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस फिश्नोई पिछले 14 महीनों से गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। गृह मंत्रालय ने एक विशेष कानूनी प्रावधान के तहत उसे ऐसा सुरक्षा कवच प्रदान किया है जिसके तहत अगस्त 2025 से पहले उसे साबरमती जेल से बाहर लाना संभव ही नहीं है। यहां तक कि अन्य लंबित मामलों में पुलिस भी उससे पूछताछ नहीं कर सकती। इसके अलावा सलमान खान और फिश्नोई के बीच जेल में मुलाकात या सलमान द्वारा माफी मांगने के दावों की पुष्टि करने वाली कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं है। आपको बता दें भाईजान पर 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान 1 और 2 अक्टूबर की रात कांकाड़ी गांव में 2 काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा था। ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने सलमान खान को जिप्सी में तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान और स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह के साथ देखा था। इस घटना को लेकर वन अधिकारी ललित बोड़ा ने जोधपुर के लूड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। इसके साथ ही फिश्नोई समाज ने भी इस मामले में एक परिवाद दायर किया जिसके बाद आरोप तय कर अदालत में गवाहों को पेश किया गया था। दोस्तों हमारी अब तक की जांच से साफ हो जाता है कि ये वायरल वीडियो 2018 में भाईजान के काला हिरण शिकार मामले में जमानत मिलने के बाद जोधपुर जेल से बाहर आने का है, न कि लॉरेंस फिश्नोई से माफी मांग के बाहर आने का है। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी खबर पर, अपनी राय हमें कमेंट पर लिखकर अवश्य बताएं। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में नई खबर के साथ।